अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट जी। बेटा जी, आज के लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज मेथड एक्सरसाइज 6.2 पेज नंबर 251 उसका क्वेश्चन नंबर जो है 3 हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या है और ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट है वो क्या कहता है, शो डैट वेक्टर 1 - iota, (i, 2, -1) + (i) इन सी स्केयर, यानी कि ये दो वेक्टर जो हैं वो सी स्केयर में हैं, आर डिपेंडेंट ओवर सी। हमने ये प्रूव करना है कि ये दोनों वेक्टर जो हैं वो डिपेंडेंट हैं ओवर सी। सी क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हम फील्ड के जो एलिमेंट हैं वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में से सिलेक्ट करें तो ये जो वेक्टर होंगे वो डिपेंडेंट होंगे। और इस क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है बट इंडिपेंडेंट ओवर आर, यानी कि वो कहता है कि अगर ये जो दोनों वेक्टर जो सी स्केयर में हैं, अगर इसमें फील्ड के एलिमेंट सेट ऑफ रियल नंबर के होंगे तो ये उस पर क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि ये वेक्टर डिपेंडेंट है ओवर सी एंड इंडिपेंडेंट है ओवर आर। तो ये बेटा दोनों हमने प्रूव करने हैं। तो पहले हम प्रूव करेंगे ये जो वेक्टर हैं वो डिपेंडेंट हैं ओवर सी। तो सॉल्यूशन देखेंगे बेटा, गिवन वेक्टर्स हैं 1 - iota, (i) और दूसरा वेक्टर है 2, -1) + (i) इन सी स्केयर। तो अब बेटा फील्ड के एलिमेंट हम सी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में जो सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि दो ही वेक्टर हैं तो दो ही फील्ड के एलिमेंट लेंगे। तो बेटा लीनियर डिपेंडेंट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके लीनियर कम्बिनेशन इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो टेक लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वैक्टर ओवर सी इज़ 0। तो क्या आ जाएगा बेटा, a इंटू फर्स्ट वैक्टर प्लस b इंटू सेकेंड वैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बेटा a को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, a जो है 1 - iota के साथ भी मल्टीप्लाई, (i) के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस b को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, b जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 2b, b जो है वो -1 + (i) के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इक्वल टू 0, 0 लिख लिया क्योंकि वो सी स्केयर में है, तो उसका डेफिनेटली जो बनेगा हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन से जो रिज़ल्ट आएगा वो भी सी स्केयर में ही होगा, तो वो 0, 0 लिख लिया। तो अब बेटा लेफ्ट साइड पर जो है दोनों वेक्टर, उन दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका कार वही बेटा, फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट में ऐड, सेकंड कंपोनेंट सेकंड के अंदर ऐड हो जाएगा। उसके बाद बेटा आप कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग करने का तरीका कार क्या है, लेफ्ट साइड से फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू राइट साइड से फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 0, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। और लेफ्ट साइड का सेकंड कंपोनेंट बेटा क्या है, (a, a)(i) + (b, -1) + (i) इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा। तो ये बेटा दो इक्वेशन बन गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बेटा बाय इक्वेशन वन को हम सेलेक्ट करेंगे, और बेटा याद रखिए a और b कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि a फर्स्ट इक्वेशन को हम सेलेक्ट करेंगे वो है (a)(1 - iota) + (2b) = 0। तो बेटा प्लस का 2b राइट साइड पर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2b हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो a के साथ कोफिशेंट है वो b के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, जो b के साथ कोफिशेंट है वो a के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इस दोनों को k के इक्वल लेट कर लेंगे, क्योंकि a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम अब क्या करेंगे, इनको k के इक्वल लेट कर लेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट है, जब हम k के इक्वल लेट करेंगे तो (a)(-2) भी k के इक्वल आ जाएगा, (b)(1) - iota भी क्या आ जाएगा, k के इक्वल आ जाएगा। तो अब बेटा नेक्स्ट -2 के साथ मल्टीप्लाई होकर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2k, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - iota (k). इस एक्सप्रेशन का नाम रख लें स्टार।
अब बेटा ए और बी की वैल्यू आ गई, लेकिन इसमें के है। अब के की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो ए और बी की वैल्यू है इसको हम दोबारा इक्वेशन नंबर जो टू है उसके अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर वन से हम ए और बी की वैल्यू ड्राइव की, अब उसको दोबारा इक्वेशन नंबर टू के अंदर पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यूज इन टू, तो क्या आ जाएगा बेटा, ए की जगह माइनस टू के इन टू आयोटा प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, वन माइनस आयोटा और इन टू वन माइनस माइनस वन प्लस आयोटा इन टू वन माइनस आयोटा के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ए और बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर टू के अंदर पुट कर दें। अब बेटा सिंप्लीफाई करें इनको, माइनस टू के आयोटा प्लस माइनस वन को वन से मल्टी माइनस वन प्लस आयोटा और वन माइनस आयोटा दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस वन को प्लस वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन आ जाएगा, माइनस वन को माइनस आयोटा से करेंगे तो प्लस आयोटा आ जाएगा, नेक्स्ट प्लस आयोटा को वन से करेंगे आयोटा और प्लस आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इनटू के वैसे रहेगा। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, माइनस टू के आयोटा प्लस माइनस वन प्लस टू आयोटा और माइनस आयोटा स्क्वायर किया क्या आ जाएगा, प्लस वन इनटू के इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बेटा माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस टू के आयोटा प्लस टू आयोटा के इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये क्वेश्चन नंबर थ्री बन गई। तो अब बेटा हम देखेंगे के की क्या वैल्यू पुट करें कि ये क्वेश्चन होल्ड कर जाए। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है के की, अब जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें तो ये इक्वेशन जो है वो होल्ड करेगी। तो क्या लिखा, इक्वेशन थ्री इज़ होल्ड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के, जब तमाम वैल्यूज ऑफ के लिए बेटा होल्ड करेगी। तो फिर हम लेट कर लेंगे टेक के इज इक्वल टू वन। अगर बेटा ये किसी भी वैल्यू के लिए होल्ड ना करती तो फिर हम के की जगह ज़ीरो कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर तमाम वैल्यू के लिए होल्ड कर रही हो, तमाम पॉजिटिव नंबर के लिए होल्ड कर रही हो, तो फिर हम के लिए इक्वल टू वन लेते हैं। तो फिर बेटा स्टार क्या बन जाएगा, जो स्टार एक्सप्रेशन ऊपर लिखा हुआ है वो क्या बन जाएगा, तो उसके अंदर के की जगह वन पुट कर देंगे तो ए क्या बन जाएगा, माइनस टू और बी क्या बन जाएगा, वन माइनस आयोटा। तो बेटा ए और बी फील्ड जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था उसके एलिमेंट लिए थे, दोनों क्या आ गए, नॉन ज़ीरो आ गए। तो हमें पता है अगर बेटा लीनियर कम्बिनेशन ज़ीरो हो और फील्ड के एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो आ जाएँ तो वो वैक्टर क्या होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। तो सो गिवन वैक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट ओवर सी। तो ये बेटा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो क्या है कि हमने प्रूव करना है कि ये जो वेक्टर हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है ओवर आर। जी नाउ वी प्रूव दैट वेक्टर वन माइनस आयोटा कॉमा आयोटा एंड टू कॉमा माइनस वन प्लस आयोटा इन सी स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट ओवर आर। अब हमने प्रूव करना है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं ओवर आर। तो उसी तरह बेटा दो फील्ड के एलिमेंट लेंगे और फील्ड के सेट ऑफ रियल नंबर है और इनका लीनियर कम्बिनेशन इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। तो टेक लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ओवर आर इज ज़ीरो। तो क्या आ जाएगा बेटा, ए इंटू फर्स्ट वैक्टर प्लस बी इंटू सेकेंड वैक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो अब बेटा ए को उसी तरह मल्टीप्लाई कर देंगे, वन माइनस आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई कॉमा ए आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई प्लस इसी तरह बेटा बी भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी अंदर मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा टू बी कॉमा बी जो है वो माइनस वन प्लस आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट बेटा अब हम इनको ऐड करेंगे। ऐड करने का तरीका कार बेटा वही है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं कि फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट में ऐड कॉमा सेकंड कंपोनेंट सेकंड में ऐड। तो बेटा जो लेफ्ट साइड पर है फर्स्ट कंपोनेंट है ए इंटू वन माइनस आयोटा, वो दूसरे ऑर्डर पे का जो फर्स्ट कंपोनेंट है टू बी उसके ऐड हो जाएगा कॉमा जो बेटा फर्स्ट ऑर्डर पेयर का जो सेकंड कंपोनेंट है ए आयोटा वो बेटा सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड कंपोनेंट के साथ
ऐड हो जाएगा, तो कि ए ओयोटा प्लस बी इंटू माइनस वन प्लस अयोटा इज इक्वल टू क्या है, ज़ीरो। तो अब बेटा कंपेयर कर लेंगे उसी तरह ही, फर्स्ट कंपोनेंट भी इक्वल टू ज़ीरो, सेकंड कंपोनेंट भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन इन सी स्केयर है तो इक्वल टू ज़ीरो कॉमा ज़ीरो होगा, तो दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, इक्वल टू ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये बेटा दो इक्वेशन बन गई। यहाँ तक तो काम बेटा वही है जो अभी हमने पीछे किया था डिस्कस। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, वन को लिखेंगे ए इंटू वन माइनस एटा प्लस टू बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ए को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ए माइनस एटा प्लस टू बी इक्वल टू ज़ीरो, जो रियल नंबर है ए प्लस टू बी, और इमेजिनरी अयोटा वाला माइनस ए अयोटा इज इक्वल टू ज़ीरो को मैंने लिख सकता हूँ ज़ीरो प्लस ज़ीरो अयोटा। ओके बेटा। अच्छा बेटा आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर, पिछले क्वेश्चन में जब मैंने फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन किया था, ये देखें इसमें जब मैंने इक्वेशन नंबर वन किया है बाय इक्वेशन नंबर वन, तो मैं वो बी वाले की एक तरफ लेके उसको डिवाइड किया और इक्वल टू के लिखा, इसमें मैंने वो ए को मल्टीप्लाई करके वो इक्वल टू ज़ीरो कॉमा ज़ीरो प्लस ज़ीरो योटा नहीं किया। क्यों बेटा? क्योंकि ए और बी इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर थे, तो इसलिए ए भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर अब ये अयोटा की फॉर्म में बताते खुद है, तो अब हम तो नहीं देख सकते इसमें रियल कौन से हैं और इमेजिनरी पार्ट कौन से हैं। समझ आई ना बात की, कि इस जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थी का जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें ओवर सी था, जो एलिमेंट फील्ड के थे वो कॉम्प्लेक्स नंबर के थे, तो वो ए और बी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो अब हम जो कि हमें उनकी वैल्यू मालूम नहीं है, तो अब उनमें तो ना हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि ए और बी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनके अंदर रियल पार्ट क्या है इमेजिनरी का हमें तो नहीं पता, हम उनके अंदर तो उसको सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन जो इस इक्वेशन में मैंने किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन जो मैंने किया है, इसको मैंने ए को अंदर मल्टीप्लाई करके बी को और रियल और इमेजिनरी को सेपरेट किया, क्योंकि यहाँ ए और बी रियल नंबर हैं, ठीक है, तो रियल है हमें पता है रियल है वो जो भी वैल्यू हो, लेकिन हमें तो ये तो पता है ना रियल है, तो हम रियल और इमेजिनरी को अलहदा अलहदा, अयोटा और अयोटा के बगैर वालों को अलहदा अलहदा कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा बेटा, ए प्लस टू बी ये अयोटा के बगैर है, माइनस ए अयोटा इज इक्वल टू ये ज़ीरो है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो उसको हम ज़ीरो प्लस ज़ीरो अयोटा लिख सकते हैं, ठीक है बेटा, वो इक्वल टू ज़ीरो ज़ीरो था, वो सी स्केयर में था, तो वो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के ही कंपोनेंट है, तो ज़ीरो को हम ज़ीरो प्लस ज़ीरो अयोटा लिख सकते हैं। तो अब बेटा यहाँ से कंपेयर कर लें, ए प्लस टू भी इक्वल टू ज़ीरो, और माइनस यानी कि रियल पार्ट जो है लेफ्ट साइड से रियल पार्ट जो है ए प्लस टू भी है, और राइट साइड से रियल पार्ट क्या है ज़ीरो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली लेफ्ट साइड से इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस है, और राइट साइड से इमेजिनरी पार्ट क्या है ज़ीरो, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ज़ीरो आ गई। ये ए की वैल्यू हम ए प्लस टू बी में जब पुट करेंगे एक जगह ज़ीरो, तो टू बी इक्वल टू ज़ीरो, तो बी की वैल्यू भी क्या आ गई ज़ीरो। तो बेटा ए और बी रियल नंबर थे फील्ड के एलिमेंट, और दोनों ज़ीरो हो गए, तो जब फील्ड के एलिमेंट बेटा तमाम ज़ीरो हो जाएं, तो उस वक्त वेक्टर क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। सो गिवन वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट ओवर आर। ओके बेटा ये क्वेश्चन, जी तो नेक्स्ट के अंदर मैं लेक्चर क्वेश्चन नंबर फोर डिस्कस करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।